अभी ये बिल कितना बना टोटल, मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारा टारगेट $100 का था, लेकिन $100 क्रॉस हो गए हैं। आज तक बहुत व्लॉग्स बनाए हैं ग्रोसरी के, लेकिन आज तक मैंने कॉस्को का व्लॉग नहीं बनाया और ना ही आपको बताया कि कॉस्को में कितनी की ग्रोसरी मिलती है। लेकिन पता है आपको, कॉस्को में कनाडा में सबसे ज़्यादा सस्ती ग्रोसरी मिलती है, लेकिन ये एक मंगा होता है कि यहाँ पर सिर्फ बल्क में ग्रोसरी मिलती है। आज मैं आपको यही सब दिखाऊंगा कि यहाँ से अगर आपने ग्रोसरी करनी हो तो कितने की मिलेगी। जितनी ज़्यादा आइटम्स दिखा सका उतनी ज़्यादा आइटम्स आज आपको यहाँ कॉस्को की दिखाऊंगा। तो बस व्लॉग आज का शुरू करते हैं। एनीवे वेलकम बैक टू कनाडा व्लॉग। यू नहीं है, मेक श्योर यानो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के जरूर कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग शुरू करने से पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी चीज का प्राइस जानना चाहते हो कनाडा में, कि कौन कोई भी एक चीज हो, या तो ग्रोसरी की हो या किसी भी कोई भी आइटम हो। मैंने सोचा क्यों ना कॉस्को जाया जाए। कॉस्को अंदर जाने के लिए ना हमें कार्ड चाहिए होता है। तो आई होप कि आपको मैं आज ग्रोसरी का व्लॉग दिखा सकूंगी, यहाँ पर ग्रोसरी कितने की होती है, कॉस्को में कितने का सामान वगैरह मिलता है। लेकिन कॉस्को से ना मैं बिल्कुल भी ग्रोसरी नहीं करता, बहुत कम सामान लेता हूँ कॉस्को से, लेकिन कभी कभी ले लेता हूँ जब कभी आऊँ। और मेरे पास कॉस्को का कार्ड भी नहीं है। अब इसके अंदर कैसे जाते हैं, क्या क्या सारा कुछ होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं है। लेकिन मानिस के पास कार्ड है, मानिस से बात करके आपको बताता हूँ कितने का कार्ड वगैरह मिलता है। हमने तो कोई शॉपिंग करनी नहीं है, मानित ने ये जग लेना था। ये है ये फिल्टर वाला होता है। ये देखो, इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है ना, पानी भर दो इसमें तो अपने आप ही फिल्टर हो जाएगा। तो बढ़िया है, $30 का है ये वाला। अभी हम कॉस्को में हैं यहाँ पर। वैसे तो मैं हमने कुछ खास लेना नहीं है यहाँ से। आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, सिर्फ ग्रोसरी का व्लॉग बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि कॉस्को में मिलता क्या क्या है। और यहाँ पर एक एक चीज मिलती है, जिस चीज का आप नाम लोगे आपको वो वाली चीज यहाँ पर मिलेगी। मेडिसिन से लेकर, कपड़ों से लेकर, बर्तनों से लेकर, ग्रोसरी से लेकर, खाने पीने का सामान, मैट्रेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, और यहाँ तक कि एप्पल के प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे आईफोन्स वगैरह हो गए, आईपैड वगैरह हो गए, या फिर मैकबुक्स वगैरह हो गई। आपको कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हो, मतलब कोई भी चीज़, और वो सारे आपको कम प्राइसेस में मिलती हैं जो आपको बाहर मार्केट में मिलती हैं। इतने ज़्यादा कम प्राइसेस नहीं होते, लेकिन हाँ, जिन्होंने बड़ी ग्रोसरीज करनी होती हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कॉस्को की मेंबरशिप लेना। तो अभी शुरू करते हैं, आयो। मेरा कोई प्लान है नहीं कुछ बाय करने का यहाँ से, लेकिन फिर भी हमने मैक्सिमम बजट जो रखा हुआ है ना, कि यहाँ से अगर कुछ लेंगे भी तो फिर $100 से क्रॉस नहीं करेंगे, $100 तक ही लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना। तो अभी सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, ये है यहाँ पर जो मल्टी विटामिन होती हैं, ये पूरा का पूरा वो सामने फार्मेसी बनी हुई है, कॉस्को की फार्मेसी है वहाँ पर। मतलब अलग अलग मल्टी विटामिन का अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। जो बड़े वाले ये गमीज हो गए, जैसे देखो 250 गमी विटामिन है, और ये पूरा का पूरा पैक है $15 का। तो ये देखो, यहाँ पर सारी की सारी मेडिसिन भी पड़ी हुई हैं। ये हैं काफी ज्यादा बड़े बड़े पैक्स है, जैसे ये एडविल है, ये $25 की, $24 की है, और इसमें बहुत ज्यादा टैबलेट्स है, लाइक 165 टैबलेट्स हैं, और इसमें है 280 टैबलेट्स। कॉस्को की बात किया है, अब कॉस्को में ना जो भी मिलता है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में मिलता है, जैसे कि बल्क में मिलता है। तो ये कॉस्को सबसे बेस्ट उनके लिए होता है जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, जो 4 लोग 5 लोग फैमिलीज में रहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं, जिन्होंने इकट्ठी ग्रोसरी लेनी होती है। लेकिन जैसे कि अगर आप स्टूडेंट आओगे और आप अकेले रहोगे तो आपके लिए ये वर्थ इट नहीं है। हाँ, अगर 4-5 लड़के इकट्ठे रह रहे और सभी के सभी आना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये बेस्ट है आपके लिए। ये देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में सब कुछ मिलता है। यहाँ पर शैम्पू वगैरह, कंडीशनर्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं, लेकिन सस्ते जरूर लगे हुए हैं, इस बात का मैं आपको कह सकता हूँ पक्का कि सस्ते लगे हुए हैं। जैसे कि ये देखो, $15 के 2 कर्कलैंड के शैम्पू लगे हुए हैं, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। ये आपको नेक्सेस का पता होगा, नेक्सेस डब हो गया, और ये पैंटीन हो गया, या तो इंडिया में भी है ना। ये देखो, ऑलमोस्ट $19 के ये 2 पैक लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको पहले ही बता देता हूँ शुरू करने से, जो भी मैं आपको चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, जो 15
$15 की, $20 की, वो उन पर 15% टैक्स भी लगेगा, तो मेक श्योर आप वो वाला टैक्स इंक्लूड करके फिर इनके पैसे देखना। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बस $20 का है तो $20 का मिलेगा, पर 15% टैक्स भी ऐड कर लेना। अब जैसे कि ये देखो, ये है यहाँ पर सनस्क्रीन पड़ी हुई है, ये 3 क्रीम है $30 की, और यहाँ पर ये स्प्रे है सनस्क्रीन, ये पड़ी हुई है $20 की। हम ये वाली लेंगे स्प्रे, क्योंकि क्रीम मैं लगाता नहीं हूँ, तो क्रीम के साथ तो बहुत गंदा सा फील होता है। स्प्रे बढ़िया होती है, अगर बीचेस वगैरह पर जाना है वहां पर लगानी पड़ती है। ये देखो, ये अभी कॉस्को का यहाँ पर चेकआउट वगैरह होता है, भीड़ देखना कितनी ज्यादा हुई है, भरा हुआ है। अभी तो हम यहाँ पर एक दो आइल्स ही घूमे हैं, अभी हमने आगे जाना है। और ये वाली चीज स्पेशली लड़कियों के लिए, अगर वो देख रही है तो ये मुझे लगता है सारा का सारा मेकअप का सामान है यहाँ पर। ये भी दो दो पड़ी हुई है इकट्ठी, जैसे ये वाली देखो, ये है $38 की, और इधर ये वाली है ओले की, ये है $55 की, और ये है ये भी $55 की है। यहाँ पर ये सारे के सारे कोलगेट वगैरह ना जो चाहिए होते हैं हमें, जैसा कि मैंने आपको कहा ज़्यादा पैक्स में पड़े हुए हैं। जैसे कि ये देखो, ये है $14 के 5 पैक्स, कोलगेट की काफ़ी सस्ती होती है, ये है 5 पैक्स कोलगेट है $12.50 की, लेकिन अगर हमने सेंसोडीन की लेनी है तो फिर वो 4 पैक हमें मिलेंगे $20 के। तो अभी ये देखो, ये सारा का सारा यहाँ पर बेकरी का सामान है, वैसे कुछ ब्रेड वगैरह हो गई। तो पंगा कॉस्को का ये है कि यहाँ पर हम ब्रेड भी एक नहीं ले सकते, अगर हमने ब्रेड लेनी है ना तो ब्रेड भी हमें तीन तीन ही लेनी पड़ती है इकट्ठी। तो ये तीन, इन्होंने एक पैक बनाया हुआ है 3 ब्रेडों का, और लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती, $6 की हमें 3 ब्रेड मिल रही है। अगर हमने यही वाली वॉलमार्ट से लेनी हो ना तो कम से कम $3 या $4 की एक ब्रेड आती है वहाँ पे। अब ये देखो, ये अब यहाँ पे चिकन पड़ा हुआ है, आई थिंक दिस इज चिकन ब्रेस्ट। ये इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन $30 का, $31 का है ये, और ये है 2.5 किलो, ऑलमोस्ट 2.25 किलो पैक है $31 का, काफ़ी ज़्यादा है। अब ये देखो, ये यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, दिस इज पोर्क एंड दिस इज चिकन, $15 का, $15 नहीं सॉरी $25 का, कितना बढ़िया मैरिनेट किया हुआ है। और ये गेम्स भी रखी हुई है यहाँ पर, बास्केटबॉल का वो देख रहे हो, एग्स भी काफी सस्ते लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी उधर से बाहर आए तो हम पहुंच गए हैं वेजिस के पोर्शन में, लेकिन यहाँ पर भी बल्क में ही पड़ी होती हैं जो वेजेज वगैरह मोस्टली होती हैं ना, जैसे ये देखो, ये कीवीज पड़े हुए हैं, नहीं कीवी नहीं सोई, ये पता नहीं कौन सा टोमेटो है, कोमेटो टोमेटो, $6 का ये एक पैक। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको कॉस्को में सारा कुछ मिलेगा। जैसे ये देखो, ये यहाँ पर इन्होंने बैकयार्ड का सामान भी निकाल दिया है, क्योंकि गर्मी आ रही है ना, उस हिसाब से ये गाजरें देख रहे हो कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है, $10 का पैक है, और ये इतना ज़्यादा गाजरें, इतनी हम क्या करेंगे ना, वे तो बहुत बड़ी फैमिली के लिए हैं। अभी जैसे कि ये देखो, एवोकैडो पड़े हुए हैं, पैक ऑफ 6 लिखा हुआ है इन्होंने, 6 एवोकैडोज, लेकिन काफ़ी महंगे लगे हुए हैं 6 एवोकैडोज $14 के, वैसे सस्ते होते हैं। बनानास के भी, केलो के भी, ये देखो कितने बड़े बड़े पैक ये बने हुए हैं ना, ये सारा कुछ मतलब बल्क में यहाँ पर मिल रहा है, ओपन कुछ नहीं पड़ा हुआ, सारा कुछ बल्क में ही है। छोटे छोटे साइज के अमरूद पड़े हुए हैं, और ये है पैक पूरा $6.50 का एक पैक। ये देखो, अगर इंडिया में आपको नींबू महंगे मिल रहे हैं, यहाँ पर $11 का ये एक पैक पड़ा हुआ है, कितने सारे नींबू है, अगर आपको चाहिए तो बता देना मुझे, मैं आपको पार्सल करवा दूंगा इंडिया। बैकयार्ड का फर्नीचर पड़ा हुआ है $480 का, ये बेंच, एक प्लास्टिक का बेंच, इतना महंगा। अब आपको एक एक चीज का अगर प्राइस दिखाने लग गया फिर तो बस निकल गए हम यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा है कॉस्को, तो इसलिए आप खुद ही ऐसे देख लेना, ठीक है। बीच बीच में अपने ब्लैक गार्बेज बैग भी घर पे खत्म हुए हैं, तो वो भी चाहिए हमें, तो देखते हैं कौन से वाले सस्ते लगे हुए हैं और कितने हैं। और बहुत बड़े बड़े बैग्स लग रहे हैं, लेकिन हमें इतने बड़े बैग नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने घर के लिए छोटे वाले बैग्स। ये लगता है कि ये सही है। तो अब इस साइल में ना सारे डिटर्जेंट वगैरह ही पड़े हुए हैं, अब काफ़ी ज़्यादा सस्ता सामान लगा हुआ है। अब जैसे ये देखो, $19 का डिटर्जेंट का, ऐसा है कि ब्रांड पर डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का लेते हो। ये टाइड का सबसे महंगा होता है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम टाइड का ही सबसे महंगा होता है, लेकिन बढ़िया भी सबसे बढ़िया टाइड का ही होता है, बाकी भी बढ़िया होते हैं, लेकिन मैं तो खुद भाई टाइड का यूज़ करता हूँ, कपड़े ख़राब नहीं करने। अब ये गर्मियाँ आ रही है ना, अब इन्होंने पैडल बोर्ड्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं, $830 का है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है, देखना कितना सुंदर लग रहा है देखने में,
$830 का। अब यहाँ पर सारा सामान यही वाला है, जैसे लाइफ जैकेट्स वगैरह होगी वहाँ पर रखी हुई है इन्होंने। अब इधर ये देखो कूलर्स रखे हुए हैं जो वोकेशन वगैरह पे जाते हैं, कैंपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो कूलर रखे हुए हैं $70 का एक कूलर, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा कूलर है। और इधर भी ये देखो सारा सामान वही वाला पड़ा हुआ है। इधर टॉर्चेस रखी हुई हैं जो कैंपिंग वगैरह करने जाते हैं उनके लिए, ये टॉर्च है कुछ $24 की एक टॉर्च। और इधर तो ये इन्होंने बारबेक्यू रखे हुए हैं और ये बारबेक्यू भी काफी बढ़िया लग रहे हैं देखने में, गैस वाले हैं। लेकिन अब ये साथ वाली आइल में आए तो हम यहाँ पर तो बुक्स ही बुक्स रखी हुई हैं इन्होंने, देखना कितनी सारी बुक्स रखी हुई हैं। लेकिन ये सारी की सारी मुझे स्टोरी बुक्स ही लग रही हैं, प्राइस तो इनका पता नहीं कितना है। हाँ लिखा हुआ है प्राइस इनके ऊपर ही, जैसे ये वाली $14 की है, ये $15 की है। बढ़िया लग रही है बुक्स, लेकिन मैं आज तो आजकल अपने आईपैड में ही बुक्स रीड करता हूँ, ये वाली मैं लेता नहीं हूँ बुक्स, क्योंकि ये बुक रीड होती भी नहीं है। काफ़ी सस्ती सस्ती भी हैं, जैसे ये देखो ये है $7 की, लेकिन काफ़ी महंगी महंगी भी है जैसे $15 की, लेकिन $14-15 की कोई ऊपर की नहीं है। 9 decks of cards, 9 packs रखे हुए हैं इन्होंने कार्ड्स के। और ये है $17 का। चश्मे भी रखे हुए हैं इन्होंने, अगर आपने अपने लेंस वगैरह डालने हैं इन्होंने तो उसके लिए चश्मे भी यहाँ पर रखे हुए हैं। अरे वाह, साइकिल भी पड़े हुए हैं भाई, साइकिल, ये साइकिल के हेलमेट्स वगैरह। और ये देखना, ओ माय गॉड, कितना बढ़िया साइकिल है, जिसके टायर देखना इसका कितना मोटा टायर है। ये देखो $650 का ये वाला साइकिल है, काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, आगे पतले टायर्स वाले भी पड़े हुए हैं। पर इधर ये बड़े बड़े बारबेक्यूज इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पर, $1200 का, $800 का। अभी यहाँ पे आते हैं लड़कों के कपड़े, अगर तो आपको चाहिए इनर्स अपने, ये कैल्विन क्लेन के यहाँ पर 4 pack, अगर आपको बॉक्सर्स चाहिए 4 pack सीके के तो वो लगे हुए हैं $25 के। लेकिन और भी ब्रांड है, अगर इतने पैसे आप नहीं खर्चना चाहते, $15 वाले भी लगे हुए हैं। ये देखो जो बॉक्सर्स लगे हुए हैं, ये 4 pack $15 के। यहाँ पर तो बच्चों के लिए इन्होंने ये भी रखी हुई है, ये देखो गाड़ियाँ वगैरह, $350 की एक गाड़ी बच्चों की। वाह, बच्चों के लिए स्कूटर भी पड़े हुए हैं, ये देखो ये वाले $35 का एक स्कूटर, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, नाइस। लड़कियों के लिए स्लीपर्स $20 के लगे हुए हैं, लड़कियों के और लड़कों के $40 के शूज़ यहाँ पर लगे हुए हैं प्यूमा के, बढ़िया है क्वालिटी। ये है स्केचर्स, लेकिन ये है प्यूमा, ये देखो क्वालिटी कितनी बढ़िया है ना, बढ़िया है, मतलब सही है, $40 के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है प्यूमा के शूज़। जैसा कि मैंने आपको कहा था, कपड़े वगैरह भी यहाँ पर फुल मिलते हैं। अब ये आ गया है यहाँ पर कॉस्को का कपड़ों वाला सेक्शन, अब यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगी, टी शर्ट से लेकर जीन्स से लेकर फॉर्मल से लेकर और जुराबे तक आपको हर एक चीज़ मिलती है, लेकिन सस्ती लगी होती है, इतने भी ज़्यादा सस्ते नहीं होते कपड़े। ये देखो ये है लड़कों की यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये है पोलो की टी शर्ट्स लगी हुई हैं $20 की एक टी शर्ट, क्वालिटी इनकी मुझे बढ़िया लग रही है, $20 के हिसाब से काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। और इधर ये योगर्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं इनके, और इधर ये तो हद ही होगी, ये तो $11 की टी शर्ट पड़ी हुई है, जैसे सेल नहीं लगी होती इंडिया वैसी फील आ रही है मुझे, लेकिन थोड़ी बढ़िया क्वालिटी है, इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन बढ़िया क्वालिटी है। अब इधर ये सारी की सारी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी एडिडास की लगी हुई है $25 की एक टी शर्ट, क्वालिटी सही है, इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये देखना ऑफिस चेयर्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी महंगी है ऑफिस चेयर भी, $249 की ये वाली चेयर, मतलब ये वाली, लेकिन कंफर्टेबल भी काफ़ी लग रही है मुझे। अब ये देखो ये सेक्शन में है मैट्रेस वगैरह, मैट्रेस ये वाला इतना बड़ा मैट्रेस है ना, किंग साइज है। और ये है मैट्रेस $1300 का, लेकिन सस्ते वाले भी लगे हुए हैं, जैसे ये वाला $99 का, $100 का लगा हुआ है, जो सिंगल बेड का मैट्रेस, सॉरी दिस इज नॉट अ मैट्रेस, दिस इज जस्ट अ बॉक्स, और बॉक्स लगा हुआ है $100 का, इसके ऊपर मैट्रेस रखा जाएगा, ये सारे के सारे बॉक्स ही है। और ये है मैट्रेसेस, अरे बाप रे बाप, कितना बढ़िया सिंगल मैट्रेस है, क्वीन मैट्रेस, लेकिन $1000 का। और ये है ये वाला मैट्रेस है $600 का, लेकिन $120 का बॉक्स लगा हुआ है। बॉक्सेस थोड़े सस्ते हैं, लेकिन मैट्रेसेस तो यहाँ पर बहुत महंगे महंगे पड़े हुए हैं। अब ये वाली पूरी की पूरी आई, यहाँ पर तो आपको किचन का ही सामान मिलेगा, वो भी बढ़िया होता है, सस्ता लगा होता है। और इधर है ये सारे के सारे माइक्रोवेव्स वगैरह, ग्रिल्स वगैरह लगी हुई हैं, बेबी चेयर भी पड़ी हुई है, कार सीट बेबी की पड़ी हुई है, वो देखो, अगर जब आपका बेबी होगा तब आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ना इसलिए। अरे वाह, मुझे ये नहीं पता था इन्होंने तो ड्रोन भी रखे हुए हैं भाई, मैविक मिनी 2 $560 का ड्रोन, वाह। कॉस्को के बंडल में मिनी बैग मिलेगा साथ में, और एक एक्स्ट्रा फ्लाइट बैटरी मिलेगी।
जैसा कि मैंने आपको कहा था, सारा कुछ मिलता है यहाँ पर। ये है वॉशिंग मशीन, ओवन और गैस, जो हमारे जो स्टोव होता है हमारे घर पे पड़ा हुआ है, ऐसा बड़ा स्टोव वॉशिंग मशीन होगी, सारा कुछ मिलता है। $725 की ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये देखो कितने सारे टीवी वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, अलग अलग प्राइसेस के आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आ रहे हो, अगर आप लड़कों के साथ रह रहे हो इकट्ठे, तो फिर रोकू टीवी लेना सबसे बेस्ट है जो हमारे पास है। वो कुछ $250-$300-$400 का आ जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया टीवी है, स्मार्ट टीवी है, 4K टीवी है, और सस्ता भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपने ये वाले लेने हैं ना, जैसे सोनी वगैरह के हो गए, सैमसंग के हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। जैसे ये देखो $1000 का टीवी, और इधर ये $1200 का टीवी लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। लेकिन ये बढ़िया जरूर होते हैं, $2200 का टीवी लगा हुआ है 65 इंचज़ का। अब इधर आते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स। अब एप्पल प्रोडक्ट भी मैक यहाँ पर पड़े होते हैं। अब मुझे पता नहीं है कितना ज़्यादा डिफरेंस है एप्पल प्रोडक्ट्स का एप्पल स्टोर से और यहाँ से। लेकिन ये देखो, अब यहाँ पर ये मैकबुक लगी हुई है, तो ये देखो आईफोन 13 प्रो मैक्स लगा हुआ है कुछ $1529 का, 1530 का। घर जाकर चेक करूँगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन दो सभी में। देखना कितनी सारी ज्वेलरी भी इन्होंने रखी हुई है यहाँ पर। अब ये पता नहीं है कि असली ज्वेलरी है या हाँ असली है, लेकिन 14 कैरेट गोल्ड की है ये सारी की सारी। जितने आप गहने देख रहे हो ना नीचे, ये देखो ये 14 कैरेट के लगे हुए हैं। जैसे ये देखो, ये है $280 का ये नेकलेस है, लेकिन इनका कलर वगैरह इतना बढ़िया नहीं होता, मुझे लगता है कि निकल जाएगा, बाकी पता नहीं है। लेकिन 14 कैरेट गोल्ड की है, असली है सारी की सारी। ये देखो ये अपनी लेकोस्टे की 140 की लगी हुई है वॉच, ये गैस की 120 की लगी हुई है। लेकिन बाकी इनका कोई ये वाला कोई ब्रांड नहीं सुना हुआ है, ये भी गैस की है 150 की। कितनी बढ़िया लग रही है ना वॉच। अगर गैस की वैसे हमने कोई नॉर्मल वॉच लेनी हो, 180, 200, 250 इतने की आती है। कॉस्को के अंदर ही ना यहाँ पर इन्होंने फूड कोर्ट भी बनाया हुआ है। फूड कोर्ट मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती कुछ, लेकिन चिकन विंग्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह और हॉट डॉग्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ तक कि बैठने के लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है। और अगर आपने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने हैं, तो यहाँ पर जी आपकी नज़र भी चेक करते हैं और आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बना कर देते हैं। हम सामने जो लाइन देख रहे हो ना, ये सारी की सारी लाइन लगी हुई है बाहर जाने के लिए। अभी हमें भी इस लाइन में शामिल होना पड़ेगा ताकि हम बाहर जा सकें। अगर आपने कॉस्को की मेम्बरशिप लेनी है, तो आपको यहाँ से मिलेगी। ग्रोसरी करके तो आ गए अंदर, लेकिन सामान रखने की गाड़ी में जगह ही नहीं है, क्योंकि आगे भी सामान पड़ा हुआ है और पीछे भी टायर्स पड़े हुए हैं। अभी ये बिल कितना बना टोटल मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारा टारगेट $100 का था, लेकिन $100 क्रॉस हो गए हैं। आइटम्स हमने कम ही लिए हैं, ये सनस्क्रीन वगैरह, अंडे लिए हैं और सेंसोडाइन लिए है, ये प्लांट बेस्ड टिक्कियाँ ली हैं, गार्बेज बैग्स, दूध और ये मल्टी विटामिंस की गमीज ली हैं, बस इतने आइटम्स लिए हैं। और हमारा बिल बना है कुछ $116 का, सारा कुछ टैक्सीज वगैरह मिलाकर। लेकिन फिर भी हम अपने टारगेट के काफ़ी करीब रहे, होने को $150 भी हो सकता था, लेकिन कंट्रोल रखा। याद आया कि सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं, असल में ग्रोसरी हम अपने वॉलमार्ट से करते हैं, तो यहाँ से इतना सामान मिलता नहीं है। तो अभी एट द एंड अब ग्रोसरी वगैरह करने के बाद एक आखिरी बात आती है कि अगर आपने कॉस्को जाना है, तो आप जा कैसे सकते हो। अब कॉस्को में आपको जैसे अभी ग्रोसरी करके आए, आपको ये तो पता चल गया कि अंदर अगर आपने ग्रोसरी वगैरह बाय करनी है, तो मोस्टली बल्क में ही लेना पड़ता है सामान, ज़्यादा सामान लेना पड़ता है। और अब वो वाला सामान भी अगर लेने का तब फायदा है अगर आप फैमिली के साथ रहते हो या फिर आप 5-7 लोग इकट्ठे रहते हो, अदरवाइज वॉलमार्ट वगैरह में से ही ग्रोसरी लेने का फायदा है, जैसा कि हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ से हमने दूध लिया है ना, जो वो आया है $6.09 का, अगर वही वाला दूध हमने वॉलमार्ट से लेना हो, तो वो आता है $6.50 का, तो ऑलमोस्ट कुछ 40 सेंट्स का फर्क पड़ा है दूध के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा सामान लोगे, तो उन पर तो काफी ज्यादा पैसे सेव होंगे। बात करते हैं कि आपको कितने का कार्ड बनता है वो वाला, क्योंकि आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है कॉस्को में जाने के लिए, वहां पर शॉपिंग करने के लिए। और अगर आप $60 का कार्ड लेते हो ना, वो बेस्ट होता है। जैसे कि हमारा जो मानित का कार्ड है ना, वो $60 एनुअल का कार्ड है, एक साल के उसके $60 पे करने पड़ते हैं उसके, और उसमें आप कोई भी अंदर जाकर शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। बहुत बढ़िया रहा, आई होप कि आपको पसंद आया हो और आपको बढ़िया लगा हो, क्योंकि बाकी हर जगह का ऑलमोस्ट मैंने ब्लॉग बना ही दिया था, लेकिन कॉस्को का कभी नहीं बनाया था। बस फिर अब ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। जो नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जानो कैसे लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम स्टे सेफ, कीप वॉचिंग करना ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।